हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हुंडई ने लॉन्च कर दिया है हुंडई अल्काज़ार का टीजर। उम्मीद है आप सब ने ये टीजर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो फटाफट इस गाड़ी का टीजर देख लीजिए। तो आज मैं आपके लिए इस टीजर को डिकोड करूंगा एंड आज हम बात करेंगे कि हमें इस गाड़ी में क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस गाड़ी में पहले काफी ज्यादा दिक्कतें थी, कमियां थी जो लोगों को नहीं पसंद आती थी। कंपनी ने क्या उन चीजों को फुलफिल किया है या नहीं, चलिए फटाफट इस बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये जो गाड़ियां हैं ये बैकयार्ड्स में आनी शुरू हो गई हैं हुंडई के। बहुत ही जल्दी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएंगी क्योंकि इसका टीजर तो आ ही चुका है। अगर इसके टीजर में बात करें तो यहाँ पर आपको फुली न्यू डिजाइन देखने को मिलता है। पहले इसका मतलब जो डिजाइन था वो लगभग हमें क्रेटा के जैसा ही देखने को मिलता था। बस ये लगता था कि उसको थोड़ा स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया गया है, थोड़ा वाइड कर दिया गया है, अदरवाइज उसमें कोई मेजर चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलते थे। बट यहाँ पर आपको काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है। अब लगता है कि अल्काज़ार में खुद से कुछ काम किया गया है, क्योंकि इस बार इसमें कुछ चीजें क्रेटा से, कुछ डिजाइन थोड़ा बहुत एक्सचर से मिला जुला कर इस गाड़ी को काफी अच्छे से स्टाइलिश वे में तैयार किया गया है। यहाँ पर अगर आप इसके इंटीरियर में देखें तो आपको ऑल न्यू सीट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इसमें वेंटिलेटेड सीट्स दे दी गई हैं और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कंबाइंड देखने को मिलता है, जैसा सिमिलर आपको XUV700 में देखने को मिलता था। तो वैसा ही आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं, यहाँ पर मेमोरी एडजस्टमेंट्स भी हैं, जैसे ही आप इनकी सीट्स को एडजस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। एंड यहाँ पर आपको वेलकम सीट एडजस्टेबल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि जैसे ही आप इसकी ड्राइविंग सीट का जो डोर खोलेंगे तो वो जो सीट है वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगी ताकि आप आराम से बैठ सके एंड देन वो उसी पोजीशन पर आ जाएगी जिस पर आपने उसको सेट किया होगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है, काफी यूनिक फीचर है एंड काफी प्रीमियम आपको फील करवाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी रियर सीट्स की, तो रियर सीट्स भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी हैं, काफी अच्छे से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको थाई सपोर्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड पीछे से ही आप जो फ्रंट सीट्स हैं उनको कितना आगे करना है ये आपको स्विचेस जो है इसके सीट की साइड पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव के दौरान जो पीछे के जो पैसेंजर्स होते हैं उनको काफी दिक्कतें आती हैं, वो काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनको उतना मूविंग स्पेस नहीं देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पर जो दिक्कत है वो इस कंपनी ने इस गाड़ी में दूर करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में देखने को मिलती है, अडैप्टिव सेफ्टी सिस्टम इस गाड़ी में दिया गया है, लेन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी में दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर दी गई है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स दिया गया है एंड सेंटर आर्मरेस्ट में भी आपको स्पेसिंग दी गई है। तो ये थे कुछ फीचर्स। अब हम कंपेयर करते हैं कि आपको पिछली वाली से इसमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसकी फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको पहले बिल्कुल राउंड शेप्ड, बिल्कुल क्रेटा की तरह डिजाइन देखने को मिलता था, पर इस बार वो बॉक्सी लुक दे दी गई है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही है, काफी ज्यादा यूनिक भी लग रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमें एक्सर की तरह देखने को लगती है, बट ऑब्वियसली कंपनी ये थोड़ा बहुत डिजाइन तो जो मैच है वो करेगा ही, बट फिर भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आप देख सकते हैं कि न्यू डिजाइन ग्रिल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसके जो लोगो है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है, काफी अच्छा लग रहा है। एंड सेंटर में आपको इसी ग्रिल के बीच में 360 पार्किंग कैमरा का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको रडार कैमरा बेस्ड सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात की जाए तो रियर प्रोफाइल की, रियर प्रोफाइल जो है पहले तो मतलब कुछ खास नहीं लगती थी मुझे पर्सनली, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बट अब वो काफी अच्छी कर दी गई है। पहले भी कंपनी ने यहाँ पर आपको कनेक्टेड क्रोम फिनिश दिया गया था, जो कि लाइटिंग तो नहीं था पर क्रोम दिया जाता था, इस बार कंपनी ने इसमें क्रोम के साथ साथ लाइटिंग भी दी है, जो कि काफी अच्छी लग रही है। ओवरऑल जो लुक है वो इसमें काफी अच्छी लग रही है। नीचे बम्पर देखेंगे तो बम्पर भी काफी स्टाइलिश लग रहा है, डुअल टोन में आपको ये बम्पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल काफी अच्छे अच्छे चेंजेस आपको इसके रियर में भी देखने को मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो दोस्तों, साइड प्रोफाइल में आपको इसकी जो लेंथ है वो सिमिलर देखने को मिलेगी, हाइट भी आपको लगभग सिमिलर देखने को मिलेगी, 16 इंच के अलॉय व्हील्स जो है वो इस गाड़ी में दिए जाएंगे। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पहले से ज्यादा लंबी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पहले इसकी जो राउंड शेप लुक थी उसमें ये गाड़ी लंबी नहीं लगती थी, पर इस बार ये गाड़ी आपको काफी लंबी फील होगी। तो ओवरऑल अगर डिजाइन देखा जाए तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हमें इस बार देखने को मिल रही हैं। इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 160 bhp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा, जो कि काफी अच्छा एंड पावरफुल इंजन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात की जाए डीजल इंजन की, तो वो भी आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि 116 bhp की मैक्सिमम पावर जो है प्रोड्यूस करेगा। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन जो कि अभी तक हमें इस गाड़ी की देखने को मिली है। बहुत ही जल्दी ये गाड़ी मार्केट में आने वाली है। अगर आप इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं और आपने पुराना मॉडल अभी तक नहीं खरीदा है
जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो पुराने मॉडल में अब 90 से 95,000 रुपीस तक के डिस्काउंट चल रहे हैं। बट फिर भी मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इसके न्यू वेरिएंट की तरफ ही जाएं, क्योंकि उसमें तो लुक्स अच्छी मिल रही है और आपको लेटेस्ट डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि लगभग 4 से 5 साल तो वही चलने वाला है, तो आपको वो गाड़ी पुरानी बहुत जल्दी नहीं फील होगी। सो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली और भी वीडियोस को देख सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब हम हमारी अगली वीडियो में।